सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्म कुमारी के बारे में एक जनरल अवधारणा ये है कि यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते भी भाई बहन में बदल जाते हैं। आप ब्रह्मचर्य पर इतना ज्यादा जोर देती हैं, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच विकार हम रोज स्टडी करते हैं कि ये पांच विकार हैं, राइट? तो उसमें सबसे पहला विकार कौन सा आया? काम विकार। अब हमें ये लगता है कि ब्रह्मचर्य, पवित्रता की पालना, ये प्रकृति के विरुद्ध है। कोई भी चीज़ मन की स्थिति है, मन की स्थिति है। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, सिर्फ उसी को देख लेते हैं। आज एक बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। आज एक बच्चे को घर नहीं छोड़ के जा पाते लोग कि पता नहीं कौन, क्या, कहाँ। आज बच्चे को स्कूल भेजने से भी पेरेंट्स डरते हैं, क्योंकि काम विकार अति को पहुँच चुका कि मानसिकता के अंदर, सोच में कितनी अपवित्रता आ गई है कि एक छोटे से बच्चे को भी किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ये है काम विकार की अति। क्या ये नेचुरल है? क्या ये नेचुरल है? ये नेचुरल नहीं है। ये काम विकार की अति कैसे हुई? मेरी विकारों की अति हुई। अब इसी तरह पवित्रता, पवित्रता मतलब मेरी दृष्टि हरेक के प्रति पवित्र है। अगर किसी की दृष्टि अपवित्र हो सकती है, तो किसी की दृष्टि पवित्र क्यों नहीं हो सकती? अगर हम दूसरा विकार लें, क्रोध, अगर कोई क्रोध कर सकता है तो कोई बिना क्रोध के भी तो काम कर सकता है। इनमें से दोनों में से कौन सा प्रकृति के विरुद्ध है, क्रोध या शांति? तो हम कहेंगे क्रोध करना नेचुरल है क्या? क्रोध तो डिस्कम्फर्ट ही दे रहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सोच है, ये संस्कार है। नहीं ध्यान रखा तो अति तक पहुंच गया है, और ध्यान रखा तो पवित्रता आत्मा का नेचुरल गुण है। ब्रह्मा कुमारी इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो है राजयोग। राजयोग मतलब स्व पर राज्य, और स्व पर राज्य करना मतलब इन पांच विकारों के ऊपर जीत पाना। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य कंपल्सरी है, लेकिन जब हम सेंटर पर आते हैं हमें समझ में आता है कि काम विकार का क्या नुकसान है और ब्रह्मचर्य आत्मा के लिए और शरीर के लिए कितना यूजफुल है। फिर हर एक अपने आप चूज करता है, और जो उसको चूज करता है वो उसको अपने जीवन में धारण करता है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ है कि इतने सारे कपल्स, इतने सारे यूथ इतने प्यार से इस जीवन को जी रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, बिकॉज इट्स ओनली वन थॉट। ये सिर्फ करके देखने की, एक्सपेरिमेंट करके देखने की चीज़ है। तो कोई हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक बहुत प्यारा रिश्ता निभाएं, लेकिन अगर वो चाहें उस रिश्ते को पवित्रता के आधार पर निभा सकते हैं। ऐसे लाखों कपल्स सेंटर पर आते हैं।